सुपर हीरो जसप्रीत बुमराह ने ऐतिहासिक जीत के बताए 5 बड़े मंत्र। जीत के बाद प्रेस वार्ता में जसप्रीत बुमराह ने खोल दिए 5 बड़े राज। तो बात करें जसप्रीत बुमराह की, जो कि पिछले मुकाबले के भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुए मेगा क्लैश के सुपर हीरो थे। जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन को एक बार पहले सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि अगर बुमराह ना होते तो यह ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर पाती। काबिले तारीफ उनका प्रदर्शन था, 3 विकेट निकाला, 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने अपने नाम किया रिजवान और बाबर आजम का, कमर तोड़ कर रख दी थी पाकिस्तान टीम की। उसके बाद डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना, जब जब कप्तान उनको बुलाते हैं तब तक विकेट निकालना, उससे भी बड़ी बात और खास बात कि गुरु ये जो स्पेल था जसप्रीत बुमराह का वो T20 वर्ल्ड कप में अब तक का उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो कमेदार, हम जसप्रीत बुमराह के इस प्रदर्शन को कह सकते थे कि उनकी सख्त जरूरत थी 119 रनों के टोटल को डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली, प्रदर्शन दिया, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, अपने गेंदबाजों को दिखाया कि किस लेंथ पर इस पिच पर गेंदबाजी की जानी चाहिए और कैसे आप सफल हो सकते हैं। जब प्रेस वार्ता में अपना सुपर हीरो आया तो उसने बड़े बड़े राज खोले, 5 बड़े मंत्र इस जीत के बताए। अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह कौन सा वो पल मानते हैं जहां पर भारतीय टीम पाकिस्तान से आगे निकली, किसका विकेट सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन सा ओवर उनके हिसाब से भैया इस जीत का गेम चेंजिंग ओवर था, और भी बहुत कुछ हम बताएंगे। जो जो भी प्रेस वार्ता में जसप्रीत बुमराह ने राज खोले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देखते हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया सुपर हीरो जसप्रीत बुमराह का वो कौन सा ओवर था जहां पर आपको अंदर से विश्वास हो चला था कि भारतीय टीम पाकिस्तान को मात दे सकती है। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की तो उनसे पूछा गया कि भैया पिच में क्या अंतर था, पहली पारी में पिच कैसी थी, दूसरी पारी में कैसी थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहली पारी में हरकत ज्यादा था, पिच में मदद ज्यादा था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थे, शुरुआती क्षणों में पानी भी बरसा हुआ था, बारिश भी हुई थी जिस कारण से भैया लैटरल मूवमेंट मिल रहा था गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में जब पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था। उसके विपरीत, उसके उलट जब हम गेंदबाजी करने आए तो धूप निकली हुई थी जिस कारण से पिच में उतना लैटरल मूवमेंट नहीं था, उतनी गेंद हरकत नहीं कर रही थी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी था, लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करना जरूरी था और हमारे सभी गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की, कभी भी पाकिस्तान टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया उनके बल्लेबाजों को, जिस वजह से हम मैच में बने रहे। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पीछे हो गए, हाँ थोड़ा बहुत पीछे थे लेकिन बने हुए थे। उनसे जब पूछा गया कि आपके हिसाब से गेम चेंजिंग ओवर कौन सा था तो उन्होंने कहा कि तीसरा ओवर जब मैं गेंदबाजी करने आया वहीं पर मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग ओवर था। अगर उस ओवर में पाकिस्तान टीम 1-2 बाउंड्रीज लगा देती, थोड़ा तेज गति से रन बना देते तो फिर उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता और मुकाबला उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता। लेकिन उस ओवर में रन गति पर मैंने लगाम लगाया, उतना खुलकर वो बल्लेबाज नहीं खेल पाए जिस कारण से जो प्रेशर था उनके ऊपर बिल्ट हो गया। वो जो तीसरा ओवर था मेरा, मतलब पूरे दूसरे पारी का तीसरा ओवर, बुमराह का पहला ओवर, वो उनके हिसाब से गेम चेंजिंग ओवर था। वो अगर पाकिस्तान टीम अपने पक्ष में कर लेता तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाता, लेकिन विकेट नहीं गिरा, लेकिन रन गति पर लगाम लगाए रखे हम लोग, जिस वजह से भैया वो बुमराह के हिसाब से गेम चेंजिंग ओवर। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या रिजवान का विकेट गेम चेंजिंग विकेट था, तो उन्होंने कहा नहीं, बाबर आजम का जो पहला विकेट निकला वो गेम चेंजिंग विकेट था क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस मिला, वहां से हमें अंदर से महसूस हुआ कि नहीं अब मुकाबला जीत सकते हैं, अब हम लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है, वहां पर उनके बल्लेबाजों में आत्मविश्वास नहीं है, बहुत अनुभव नहीं है ऐसी पिचों पर बल्लेबाजी करने का। तो हमें अंदर से विश्वास था कि एक विकेट और पावर प्ले के ओवर में अगर हम किसी भी एक विश्वसनीय बल्लेबाज का विकेट ले लेते हैं, चाहे बाबर आजम चाहे रिजवान का, वो मैच मोड़ सकता था और वहीं पर अगर पार्टनरशिप हो जाती तो भैया फिर हम मैच में आ ही नहीं पाते। तो रिजवान की तो दूर की बात, मैच में आने के लिए बाबर आजम का विकेट जरूरी था, मतलब पहला विकेट पावर प्ले के ओवर में लेना जरूरी था, पार्टनरशिप नहीं लगने देना था और वो हमने करके दिखाया।
तो रिजवान नहीं बाबर आजम का वो विकेट ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे। वहीं अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि भैया जिस भी पिच पर मदद होना उस पिच पर बहुत कुछ गेंदबाजों को नहीं ट्राई करना चाहिए, ये सुझाव दिया उन्होंने। बाकी जो नए युवा गेंदबाज हैं उन्होंने कहा कि मैं अक्सर देखता हूं कि जो युवा गेंदबाज हैं, हालांकि जो मैं ये चीज कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं, अक्सर वो जब पिच पर मदद होता है बहुत हरकत होती है तो वो खुश हो जाते हैं, सातवें आसमान पर उनका कॉन्फिडेंस पहुंच जाता है और बहुत कुछ वो एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं पिच से, कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग कभी कटर्स, बहुत कुछ चीजों का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन मैंने जितना सीखा है यही सीखा है कि अगर पिच पर बहुत मदद हो तो पिच पर गेंद पटकिए, लेंथ अपना बस पकड़े रहिए, जहां पर आपको लग रहा है कि इस लेंथ से ज्यादा मदद हो रही है उस लेंथ पर बने रहिए, बस बहुत कुछ आपको नहीं करना है, अपने आप विकेट आपकी झोली में आएगी, अपने आप पिच से हरकत होगा, पिच से जो मदद होगा वो गेंद पाएगी और भैया विकेट आपकी झोली में आएगा। आप बहुत कुछ ट्राई करने लगेंगे तो फिर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आने वाला है, ये अनुभव से बुमराह ने सीखा और सभी युवा गेंदबाजों को बताते हुए नजर आए। अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट की तो उन्होंने कहा कि इस पिच पर हम 20 रन शॉर्ट थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, इन्होंने बड़ा राज खोला है कि जब हम आए ड्रेसिंग रूम में जब चर्चा हुई कि नहीं 20 रन शॉर्ट हैं, ये पिच बहुत खराब नहीं है, पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ जब खेला था हमने उससे कहीं बेहतर ये पिच थी, बॉल बल्ले पे आ रही थी टिकने पर लेकिन हम 20 रन शॉर्ट रह गए, ये 140 रन बनाए होते तो हम गेम में बहुत आगे रहते, लेकिन 20 रन शॉर्ट होने की वजह से भैया दबाव था हम लोगों के ऊपर और अगर कुछ भी एक दो ओवर भी गलत पड़ जाते, एक दो बाउंड्रीज इधर उधर एक्स्ट्रा आ जाते तो फिर चीजें कठिन हो सकती थी, लेकिन चर्चा ये भी हुई कि कुछ अच्छे शॉट आएंगे, पैनिक नहीं होना है, आपको गेम में बने रहना है, एक दो बाउंड्री जाएंगी तो ऐसे हताश नहीं होना है कि अब क्या, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, यही चर्चा लगातार बनी रही टीम में, पैनिक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं आया हमारे टीम इन्वायरमेंट में और हम लोग बने रहे मुकाबले में, बस कोशिश यही था कि पीछे नहीं रहना है, बने रहना है और जो हमारे साथ हुआ है वैसे ही उनके साथ हो सकता है, हमारे गेंदबाजों के अंदर काबिलियत थी और वो हमने करके दिखाया। तो ये पांच बड़ी बातें प्रेस वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने बताई है, ये राज खोले हैं जीत के। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।